चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी। बोलिए विदा पीपल समण संघ में आप सबका स्वागत है। विदा पीपल समण संघ, अभी मैम ने बताया बड़ी अच्छे तरीके से माता रमाई की बलिदान के बारे में, इतना डिटेल में बताया इन्होंने, तो मेरे लिए वैसे बचा नहीं, लेकिन मैं मोटा मोटी जो अपने समण संघ क्या है, समण संघ में हमें क्यों जुड़ना चाहिए, तो समण संघ 80-24 का हमारा संघ है, जिसमें जो कि बुद्ध से पहले का चला आ रहा है अभी तक, जो अभी जो अपने बुद्धिजीवी भाई बंधुओं ने झाड़पूछ के इसके दोबारी रेडी कराया, तैयार किया है, अब सब बुद्ध से पहले का जो संघ है उसे, तो समण संघ की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्यों हमें इकट्ठा होने की जरूरत है, कि आज का जो परिवेश है उसमें हमारे सारे अधिकार चले गए, जितने भी हमारे राइट मिले हुए थे, बाबा साहब ने हमें संविधान में अधिकार दिए थे, वो सारे के सारे हमारे अधिकार चले गए, इसलिए हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। हम सब जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी के, जितने भी हम भारत के लोग, वी द पीपल, हम सब के सब समण संघ के सदस्य हैं जन्मजात। हमें कोई इसकी सदस्यता नहीं लेनी, हमने कोई इसकी पर्ची नहीं कटेगी, इसमें कोई इस समण संघ में कोई नेता नहीं है, सिर्फ संविधान ही हमारा नेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समण संघ में सभी के सब बराबर है, कोई प्रधान नहीं है, कोई सचिव नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं है, मतलब सबके सब सब अपने आप में नेता है, सब प्रधान है, और सारे सभी का एक ही जैसा मान सम्मान है। जो ज्यादा काम करता है वो एक्टिव मेंबर है, उसको सिर्फ यहाँ पे एक ही प्रमोशन है, प्रवक्ता, यानी कि स्पोक, इंग्लिश में स्पोक बोलते हैं इसे, वो अपने महापुरुषों की बातों को आगे पहुंचाना, जिसको जो कंसेप्ट समझ आ गया उसको आगे बताना, सिर्फ स्पोक ही यहाँ पे एक प्रमोशन है, बाकी कुछ नहीं है, ना यहाँ पे चंदा का कोई धंधा होता है, बिल्कुल साफ सुथरा है, हमें जुड़ना और जोड़ना है। जितने अभी तक हमारे 29 लाख संगठन जो बने हुए हैं, जिसमें से 4 लाख एक्टिव संगठन है, उन्होंने जो चंदा का धंधा कर रखा है, उस चंदा के धंधे की वजह से हमारी पिटाई हो रही है, जितने ज्यादा हमारे संगठन है उतनी ज्यादा हमारी पिटाई हो रही है, तो उन सबको, सभी संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का ये कारवा है समण संघ। और जो 32 अभी नया नया उदाहरण है, जो किसानों के जो 32 संगठन थे, उन वे सारे के सारे एक संघ में आए, तो उनको उनके अधिकार बच गए। अभी जो 3 काले कानून थे, अभी जो हम उदाहरण देते रहते हैं, ये बिल्कुल रिसेंट उदाहरण है, 2 अप्रैल 2018 वाला एट्रोसिटी वाला जो अपना राइट था वो बच गया इकट्ठा होने से। और तो और अभी जो ये रूस में यूक्रेन पे जो हमला कर रखा है, मैं उसको इसलिए यहाँ पे जिक्र करना चाह रही हूँ, अगर हापा इकट्ठे नहीं हुए तो आने वाले टाइम में अपने पास साथ भी यही होगा। कैसे, रूस का जो राष्ट्रपति है, पहले रूस में सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता था एक ही पर्सन, लेकिन उन्होंने संविधान में संशोधन करके एक अब एक ही पर्सन 4 बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये व्लादिमीर पुतिन ने बाकायदा किया हुआ है। ऐसे ही अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो आने वाले समय में ये जो संविधान को बदलने लग रहे, संशोधन छोड़ो ये तो बदल ही रहे हैं, बिल्कुल संविधान जब खत्म हो जाएगा तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सब समण भाई बहन चाहते हैं कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पर आए और अपने संविधान को बचाए और अपने राइटों को बचा के रखे, और आने वाले समय में अपने बच्चों को, अपने जिसे कहते हैं ना, अपने अस्मिता और अस्तित्व को बचाने की ये अपनी लड़ाई है। इस लड़ाई को आप जब भी कामयाब हो सकते हैं, जब हम सब एक हों, एक झंडा और एक डंडे के नीचे जब हम आएंगे तो ही हमारे अधिकार बच पाएंगे। और बाकी जितने भी हम उदाहरण देते रहते हैं, मधुमक्खी का, जानवरों का, या अगर आप देखो कौवा, अगर ये क्रो होता ना कौवा, उनमें से भी अगर कोई एक मर जाता है तो सारे कौवे इकट्ठा होके काय काय करते हैं, वे बताते हैं कि देखो हमारे में से कोई चला गया है। जब तक हमारे अंदर ये भावना पैदा नहीं होगी, एकता नहीं आएगी कि हाँ हम सब, अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा होने का अपना सबूत दें, हमें मरी हुई मछली की तरह पानी के बहाव में नहीं बहना है, हमें पानी के, जिंदा मछली हमेशा पानी के विपरीत बहती है, विपरीत चलती है,
तो हमें जिंदा होने का अपना प्रमाण देना है, उसके तहत हमें अपने समाज को इकट्ठा करना है, अपने लोगों को जाके डोर टू डोर जन जागरण करना है। मैं आज भी मतलब मैं और अर्चना जी हम यहाँ पे गुड़गांव में हम डोर टू डोर जाते हैं, हम जन जागरण कर रहे हैं, ऐसे ही हम अपने समण भाइयों को बहनों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। तो अगर संविधान नहीं बचा बाद में पाई इकट्ठे हुए तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम अभी हमारे पास समय है 2 साल 1.5-2 साल का, इसी में हमें अपना काम करना है, इसी में हमने लोगों का जन जागरण करना है, लोगों को इकट्ठा करना है, बताना है कि भाई समण संघ क्या है, वी द पीपल क्या है, जो कि संविधान की पहली लाइन वी द पीपल हम भारत के लोग के नाम से जो हमने अपने जो संघ बनाया है उसको हमें आगे बढ़ाना है, इसी इन्हीं बातों को आगे चल ले ले जाके ले बताना है हमें कि इसमें कोई पर्ची नहीं लगती, कोई सदस्यता नहीं होती, कोई फीस नहीं ली जाती, कोई मंच माइक माला का कोई प्रावधान नहीं है, यहाँ पे कोई लीडर नहीं है, हम सब के सब लीडर है। ये बातें जब तक लोगों को क्लियर नहीं होगी तब तक हमें बैठना नहीं है, जब तक हमारे 29 लाख संगठन एक नहीं हो जाते तब तक हमें बैठना नहीं है। हमारी जिद है जुड़ने की, जुड़ेंगे और जीतेंगे, जिद सिर्फ और सिर्फ हमारे जुड़ने की है। जिस दिन हम सारे इकट्ठे हो गए जुड़ गए उस दिन हमारा हमारे सारे के सारे काम घर बैठे हो जाएंगे। जैसे सुधीराज सर बोलते रहते हैं कि लोग हमसे पूछने आएंगे कि भाई आपको क्या चाहिए, तो हमारे जो पिछले 500-700 साल का जो हमारे साथ जो हुआ है, जो अन्याय हो रहा है, वो सारा का सारा हमें एक इकट्ठा होके ही हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक हम सब अपने अंदर, अभी डॉक्टर रंजना मैम ने इतने अच्छे से कंसेप्ट बताया हमें, माता रमाई का जो बलिदान दिया माता ने तो उसका बताया, उसी तरह से हम उनकी बातें सुन के ही इतना इमोशनल हो गए कि सबको पानी पीने की आवश्यकता पड़गी, तो हम क्यों नहीं, हम भी तो जिंदा है, हम भी तो बाबा साहब का दिया हुआ खा रहे हैं। जब तक हम बाबा साहब का दिया हुआ का हमें एहसास नहीं होगा कि उनकी वजह से हम इतना अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे, ओढ़ रहे हैं, जब तक हम उनकी शुक्रगुजारी का एहसास हमारे अंदर नहीं होगा तब तक हम एक होने की बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा सभी जितने भी पोर्टल पे आज मेरी बहनें जुड़ी हुई है उन सब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपा बहनों को ही आगे कदम बढ़ाना, आगे आना है, अपन बहनों को ही, हम माता बहनों को ही ये बेड़ा उठाना है कि हमें ही आगे चल के अपने कंधों पर ये जिम्मेवारी लेनी है। इन्हीं सब चीजों को आगे रखते हुए अपने हम बच्चों का भविष्य बचा पाएंगे। हमारी जो बच्चों की 2 साल से एजुकेशन बिल्कुल कोविड के चक्कर में ठप हुई पड़ी है, और जो आज का वैकेंसी कैसे ISIPS कैसे लग रहे हैं आप सबको पता है, आज तक हमारा कोई एक दो जज के सिवा कोई जज नहीं बढ़ा है। तो ये सारी की सारी चीजें हम जब ले पाएंगे, जब हम एक होंगे, जब जब हमारे अंदर ये समझ बढ़ेगी कि हम कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, क्या कहाँ पे हमारा कितने राइट है, कितने चीजें हमें मिलनी चाहिए, कितनी हमें मिल रही है, कितना परसेंट हमारा हम खत्म कर रहे हैं, मतलब उसको ले नहीं पा रहे हम, तो जब तक हम सब सारे इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी जिद है, अपने सब की जिद है जुड़ने की, जुड़ेंगे जीतेंगे, और चंदा और धंधा इनका बंद करेंगे, चंदा देंगे जब इकट्ठे होके आओगे तब। और आज दीनाभाना वाल्मीकि दीनाभाना साहब की आज जयंती है, उसपे मैं थोड़ा सा दो चार लाइन में बोलना चाहूंगी। दीनाभाना साहब की का जन्म राजस्थान में हुआ, और वो उनके फादर साहब, उनके पिताजी सवर्णों के भैंसों का दूध निकालने जाते थे, तो उन्होंने कहा, उन्होंने भी भैंस रख ली, तो जब उन्होंने कहा कि भाई तुम हमारी बराबरी करोगे, तुम भैंस रखोगे, तुम सुअर पालने वाले तुम सुअर रखो, तो इतना दबाव डाला उन पे कि उनको वो भैंस बेचनी पड़ी। और दीनाभाना जब छोटे थे तो उनसे ये बात सहन नहीं हुई, और उन्होंने इस बात से दुखी होके घर त्याग दिया, और घर त्याग दिया और वे दिल्ली आ गए, और दिल्ली आके उन्होंने बाबा साहब की स्पीच सुनी तो उनको लगा कि हाँ ये इंसान है, ये महापुरुष है जो समाज को बदल सकता है। और उन्होंने बाबा साहब, जब तक बाबा साहब रहे, बाबा साहब के साथ उन्होंने उनके विचारों से प्रभावित रहे और काम किया, और उसके बाद बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस होने के बाद वो भटकते हुए पूना चले गए दिल्ली से,
और वहां पे जा मान्यवर काशीराम साहब से उनकी मुलाकात है। जब तक मान्यवर साहब नहीं बने थे, सिर्फ काशीराम साहब थे, तो उस टाइम जब छुट्टी उनको चाहिए थी बाबा साहब की जयंती के लिए, तो उनके ऑफिसर ने मना कर दिया कि मैं आपको छुट्टी नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बाबा साहब की वजह से छुट्टी मुझे मिली, ये नौकरी मिली है, अगर नौकरी चली भी जाती है तो कोई बात नहीं। तो इस बात पे वो चले गए वहां से, और जयंती मना के दूसरा दिन आए तो मान्यवर साहब ने पूछा काशीराम साहब ने कि भाई कहाँ गए थे, कौन है ये अम्बेडकर? तो उन्होंने बाबा साहब के बारे में बताया और जाति का समूल विनाश बुक दी। और उन्होंने मान्यवर साहब ने रात में 2 बार वो बुक पढ़ी, और दूसरे दिन ही आके दीना बाना साहब से बात की। और उसके बाद मान्यवर साहब ने तो इस्तीफा दे दिया और काशीराम से भी मान्यवर साहब बने। और उसके बाद उन्होंने, वो तो आप सबको पता है, बम सेव का निर्माण किया। और आज जो बाबा साहब को इन लोगों ने दफन कर दिया था, वो दीना बाना साहब की वजह से आज हम जो जय भीम बाबा साहब के लिए बोल रहे हैं, जो देश विदेशों में जो हम बाबा साहब को लोग इतना सा जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हम, अगर हम सच्चे अर्थों में कहें तो दीना बाना साहब की जागरूकता थी, जो कि आज बाबा साहब को हम घर घर में विदेशों तक, जय भीम और बाबा साहब का सिंबल ऑफ नॉलेज, जो विदेशों तक बाबा साहब का नाम गया है, इन्हीं शब्दों के साथ हमें जुड़ना और जोड़ना की बात, सॉरी इन्हीं शब्दों के साथ दीना बाना साहब को बहुत बहुत तो आज जन्म जयंती की बधाई आप सभी को। और जिद है जुड़ने की, जुड़ेंगे जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे। थैंक यू सभी को, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सविदार। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। गच्छामि।
शरणं गच्छामि तृतीयेऽपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयेऽपि संघं शरणं गच्छामि साधु साधु साधु।